की सीमा ही इस ब्रह्मा जी के बनाए हुए इस हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जी के बनाए हुए प्रकृति और पंचमहाभूतों में तक ही सीमित है। तो हमारी जब ध्यान की सीमा ही यहीं तक सीमित है, तो जब महाप्रलय होता है और फिर से प्रकृति का फिर से पूज्य परमात्मा में विलीन हो जाती है और फिर उसके बाद जब वापस से निर्माण होता है, तो ध्यान की सीमा इससे आगे कैसा होती है? क्योंकि यहीं तक तो अगर हमारी ध्यान की सीमा सीमित रहती है, तो ऐसे हमें पिछले उत्पत्तियों का कैसे ध्यान ज्ञान मिलेगा और उस ज्ञान का क्या सूत्र रहेगा? ध्यान या ज्ञान बोल रहे, ज्ञान बोल रहे, ऐसा है कि ब्रह्मा जी का वर्णन दो रूपों में शास्त्रों में किया गया है। ब्रह्मा जी का नाम ही हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य योनि, इस प्रकार की श्रुति भी है। श्रीमद्भागवत के तीसरे स्कंद में सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा जी को माना गया है। कर्म और उपासना के समुचित निष्काम भाव से अनुष्ठान के फलस्वरूप कोई जीव जब देहत्याग के बाद ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करता है, तब उस जीव को ब्रह्मा जी का पद जब प्राप्त होता है वो बद्ध माना जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद अंतर्यामी परमात्मा के अनुग्रह से ब्रह्मा जी तत्व ज्ञान संपन्न हो जाते हैं। अव्यक्तोपनिषद है, उसमें लिखा है भगवान से सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ प्रजापति ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हें भगवान की वाणी सुनाई पड़ी कि तुम व्यक्त जगत की संरचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा, इतना तो मुझे पता है कि आप अव्यक्त से मुझ ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ है। आपने मुझे दायित्व दिया है, आज्ञा दी है कि व्यक्त प्रपंच की रचना करो। तो व्यक्त क्या है? एक तो व्यक्त मैं हूँ, एक किन किन व्यक्त पदार्थों को रचने की मुझे आपने आज्ञा दी है? तब भगवान ने कहा कि चराचर का नाम व्यक्त है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, अव्यक्तोपनिषद के अनुसार, मुद्गल उपनिषद के अनुसार, कि मुझ में वो क्षमता नहीं है कि मैं कार्य प्रपंच या व्यक्त जगत की संरचना कर सकूं, कोई साधन बताइए। तब भगवान ने उनसे कहा कि मुझ परमात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को अग्नि समझो और धारणा के द्वारा अपने आप को मुझ अग्नि मैं होम दो, हवनीय द्रव्य स्वयं को बना लो, मुझे अग्नि के स्थान पर समझो। ऐसा करने पर तुम में वो क्षमता प्राप्त होगी कि तुम जिस चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की तुम्हें संरचना करनी है, जीवों को 84 लक्ष योनियां प्रदान करने हैं, उन सब को तुम करने में समर्थ होगे। इसके अनुसार भी और श्रीमद्भागवत के अनुसार, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत सूरय, तेने हृदय का अर्थ है मन सैव। भगवान ने संकल्प पूर्वक ही वेद और वेद के ज्ञान को ब्रह्मा जी के हृदय में प्रेषित किया, अर्थात उन्हें प्रदान कर दिया। ददामि बुद्धि योगम तम तेषामेवानुकम्पार्थम अहम अज्ञान जम तम अहम नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपे न भास्वता, भगवत वचन है गीता में। तो ब्रह्मा जी बद्ध होकर जन्म लेते हैं, कोई जीव विशेष कर्म उपासना के समुचित निष्काम अनुष्ठान करने पर ब्रह्मा के शरीर को प्राप्त करता है, लेकिन ब्रह्मा जी कुछ ही समय बाद भगवान श्रीमन्नारायण से वेद और वेदार्थ का परिज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। अर्थात ब्रह्मा जी बद्ध होकर जन्म लेने पर भी अपने आयु पर्यंत, शेष आयु पर्यंत मुक्त होकर ही ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। तभी वे ब्रह्मलोक में गए हुए मुमुक्षुओं को कालांतर में तत्व का उपदेश भी करते हैं। बिना सृष्टि के रहस्य को जाने हुए सृष्टि की संरचना हो ही नहीं सकती है, इसलिए ब्रह्मा जी बद्ध होकर
जन्म लेते हैं, ब्रह्मलोक का पद संभालते हैं, लेकिन बद्ध नहीं रहते। श्रीमद् भागवत आदि के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। लेकिन दूसरी प्रक्रिया यह है कि महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह या तिरोधान और अनुग्रह नामक पंचकृतियों का निर्वाह करने की भावना से स्वयं को ही उत्पादक ब्रह्मा हिरण्यगर्भ या आदित्य सूर्य के रूप में व्यक्त करते हैं, पालक विष्णु के रूप में, संहारक शिव के रूप में, निग्रह करने वाले या तिरोधान करने वाली, निग्रह करने वाली शक्ति के रूप में, अनुग्रह करने वाले गणपति के रूप में व्यक्त करते हैं। ये पांच देव एक ही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं। हथेली एक है, उंगलियाँ पांच हैं। ये पांचों देव तत्वज्ञ माने गए, इनमें कोई जीव नहीं। लेकिन कर्म उपासना के समुचित अनुष्ठान से किसी ब्रह्मांड विशेष में जो ब्रह्मा के पद को प्राप्त करता है उन्हें जीव कोटि का माना गया। लेकिन वे ब्रह्मा भी अधिक समय तक बद्ध नहीं रहते। श्रीमद् भागवत में एक अच्छा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्मा जी ने देखा कि एक कमल पर मैं हूँ, नाभि कमल, भगवान के श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। कमल का दर्शन हुआ, नाभि का विष्णु भगवान का दर्शन नहीं हुआ। प्रलय पयोधि जले, यहाँ भी दशावतार की स्तुति में जयदेव जी मानते हैं, प्रलय के उत्ताल तरंग से युक्त जो समुद्र था उनको लगता था जैसे कोई नौका डूबने की स्थिति में हो तो नौका में जो बैठे हुए हैं वो भी डरने लगते हैं। कि ब्रह्मा जी सोचते थे जिस कमल पर मैं बैठा हूँ कमल अब डूबेगा। तब उन्होंने भगवान का स्मरण किया तो भगवान ने कहा तप करो। जब तप किया तो ब्रह्मा जी को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि मेरे शरीर में ही यह महासमुद्र है। अभी हम दो घूंट पानी पी लें हैं तो पेट में जाएगा ना पानी, उस पानी में डूब कर मरने का मुझे भय प्राप्त होगा क्या? नहीं ना। इसी प्रकार ब्रह्मा जी को जब अपने विशाल स्वरूप का ज्ञान हुआ तो पृथ्वी पार्थिव प्रपंच, पृथ्वी के कार्य उनका शरीर है, पृथ्वी उनका शरीर है, जल उनका शरीर है, तेज उनका शरीर है, वायु भी उनका शरीर है, आकाश भी उनका शरीर है, अहम तत्व भी उनका शरीर है। महत्त्व के अभिमानी चेतन का नाम अगर ब्रह्मा मानते हैं और अगर पंचभूत तक ही मानते हैं तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये ब्रह्मा जी के शरीर से धोते हैं। ब्रह्मा जी अव्यक्त रूप माने तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी को जब अपने स्वरूप का बोध हो गया तो जिस जल में डूबने की आशंका थी आचमन करके पी लिया। इसका अर्थ है कि अज्ञान तो था तभी तो भय हुआ मरने का, डूबने का, लेकिन स्वरूप का ज्ञान जब भगवान ने दे दिया तो जिस जल में डूबकर मरने की आशंका थी वो जल निकला क्या? आचमनीय से निकल जाने योग्य। बाद में योग बल से फिर उस जल को प्रकट कर दिया, वही समुद्र है, श्रीमद् भागवत में आया है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी दो प्रकार के होते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के उत्पादक ब्रह्मा तो भगवान के ही एक रूप हैं, वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं, वहाँ कोई बंधन की बात नहीं है। एक एक ब्रह्मांड के अधिपति के रूप में, निर्माता के रूप में जब ब्रह्मा का वर्णन शास्त्रों में किया गया है तो कोई जीव विशेष कर्मोपासना के फलस्वरूप देहत्याग के बाद अगर वो निष्काम है तो ब्रह्मलोक का अधिपति बनता है। भूर्भुवस्व महाजन तपः सत्यम, इन सात लोकों में भूर्भुवस्व के बाद महाजन तपः सत्यम, ये जो चार लोक हैं ये ब्रह्मलोक कहे जाते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी तो श्री मंदिर में प्रतिष्ठित हैं, लेकिन जो श्री मंदिर का क्षेत्र है वही तो पुरी का क्षेत्र नहीं है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी का जो क्षेत्र है ब्रह्मलोक जिसको कहते हैं वो महालोक से प्रारंभ हो जाता है, उसमें ब्रह्मा जी सत्यलोक में स्वयं निवास करते हैं। उन ब्रह्मा जी को बद्ध दशा में उत्पन्न मान करके भी बाद में मुक्ति ही माना गया है, क्योंकि श्रीमन नारायण केवल संकल्प मात्र से उनके हृदय में तत्वज्ञान प्रकट कर देते हैं।
31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष मर्स तिलों की गणना के अनुसार जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है तब ब्रह्मा जी सदा के लिए ब्रह्म होकर ही शेष रहते हैं। यह हो गया इनके।